नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। किसानों और पशुपालकों को फंड मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार गाय भैंस पालकों को सशक्त बनाने के लिए देवऋण योजना चला रही है। इसके तहत पशुपालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, और हाल ही में पशुपालकों के लिए संचालित देवऋण योजना के लोगों का अनावरण किया गया। बालोतरा जिला प्रभारी मंत्री जोजाराम कुमावत ने जिले में पशुपालकों के लिए संचालित देवऋण योजना के लोगों का अनावरण किया, और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवऋण योजना से पशुपालक सशक्त बनेंगे। पशुपालकों को मिलने वाले लोन से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इस दौरान उन्होंने देवऋण योजना के लोगों का विमोचन कर लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि देवऋण योजना से जिसके प्रथम चरण में जिले में बलोतरा जिले में पशुपालकों की स्थिति में सुधार होगा। योजना के तहत ऐसे 3011 परिवारों को लोन योजना लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनके पास 50 या फिर इससे अधिक पशु हैं। जिले में नवाचार के तहत 50 या इससे अधिक पशु रखने वाले पशुपालक परिवारों को देवऋण योजना के तहत 1,60,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत चिन्हित परिवारों को 1,60,000 रुपए प्रति परिवार एक मुश्त लोन मंजूर दिलाया जाएगा। मंजूर लोन पर 4% वार्षिक ब्याज दर देय होगी, और योजना के तहत चिन्हित परिवारों को भूमि गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, यानी बिना भूमि गिरवी रखे लोन मंजूर किया जाएगा। और इस योजना में पशुओं का बीमा भी नहीं करवाना है और पशुओं का टैग भी नहीं लगवाना है। इसके तहत चिन्हित परिवार जो वर्तमान में केसीसी लोन ले रहे हैं, वह भी परिवार इस योजना का फायदा आसानी से उठा सकते हैं। वहीं गरीब, विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक पशुपालकों को प्राथमिकता के साथ उनकी जीवन शैली में सुधार, आत्मविश्वास जागृत करने और आर्थिक स्वावलंबन प्रावधान करने के साथ बैंकों के प्रति रुझान पैदा करना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना देवऋण योजना का उद्देश्य है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही कृषि के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।